हरिओम सर, आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? क्लास में
ठीक है सर। बी देख और देख और पर गाइस आपके वीडियोस बंद रखना।
हाँ सर, चलो हाँ मैंने वो म्यूट कर दिया था अपनी तरफ से। तो अब तो सही हो गया। ठीक, ओके सर। आवाज आ रही है ना आप सब लोगों को? कमेंट सेक्शन में बताना एक बार, तो चैट बॉक्स में बताना आवाज आ रही है ना आप सब लोगों को। चैट में रख लेता हूँ। आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है ना सब लोगों को? थोड़ा मैं ये साइड में कर देता हूँ, इससे क्या स्पेस मिल जाए अपन लोगों को। आवाज आ रही है ना? और बढ़िया आ रही है ना आवाज सब लोगों को? क्लियर है ना? हाँ, थोड़ा देखो रोहित साहब, देखो आप सबके लिए मोस्ट वेलकम। आवाज आ रही है और क्लियर आ रही होगी आप लोगों को, सब लोगों को? वॉइस ब्रेकिंग ऐसा नहीं होगा बेटा। अब बताइए आवाज कैसी आ रही है, पहले आवाज का बताइए आप, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ऑडिबल होगा, वॉइस अच्छी आ रही होगी माय डियर। मेरे मेरे हिसाब से तो सब लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छी आवाज आ रही है, एकदम क्लियर, मतलब एकदम ऑडिबल बोल रहे हैं लोग, सब लोग सही आ रही है, वॉइस बहुत बढ़िया आ रही है। तो आप सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। लोग कह रहे सर गेट फ्लिक्स लेक्चर में आप थे वीडियो में। हाँ यस सर, तो मधुर आ रही है। देखो अब आप सब लोगों के लिए मेरी तरफ से गुड इवनिंग, और अपन आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सब लोगों को पता ही है। और आप कैसे हैं सर? बढ़िया हैं। देखो तो आप कंट्रोल सिस्टम, हाँ कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन देता हूँ अभी, एक सेकेंड आप रुक जाइए, पता चल जाएगा आप लोगों को। कह रहे हैं राहुल, कह रहे हैं आपके नेटवर्क के नोट्स बेस्ट हैं सर। वेरी थैंक्स माय डियर राहुल। चलो शुरू करते हैं, फिर आपके मैसेज आते रहेंगे। देखो माय डियर, एक बार आप ध्यान सुनना, तो कई लोग मेरे को जानते भी हैं। देखो देखो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो मेरा नाम अरहम राजपूत है, बीटेक प्लस एमटेक आईआईटी कानपुर, एमटेक कंट्रोल सिस्टम में है मेरा। और कई लोग, आप लोग नेटवर्क भी मेरे से पढ़े हुए हो,
कुछ लेक्चर मैंने जो आपके ग्रुप में वो नेटो वाला जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है, तो अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम। पहली बात, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको कोई बुक की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग कहीं जानते हैं। मैं आपको नोट्स में ही बहुत सारा कराने वाला हूँ, आपको उसके अलावा कोई मेटेरियल रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो प्लीज आप थोड़ा यहाँ पेशेंस बनाए रखना और अपन बहुत सारी चीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। एक सेकेंड। सर वो स्टाफ मेरे को बना दिया ना आपने उसमें, क्योंकि सर आप स्किन बार बार वो हो रही है कंट्रोलिंग। देखो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन, स्टार्ट करते हैं। और सब लोगों को आवाज आ रही होगी मेरे हिसाब से, एक बार और मैसेज में आप बता दीजिए सब लोग, पीडीएफ मिले या आपका नेम क्या है। अरे मेरा नेम सब लोगों ने जानते हैं, अभियुम राजपूत, नाम ही काफी है भाई। हाँ क्लियर है। देखो आप बच्चे कुछ ही बात बार में करते रहेंगे, एक बार अपन स्टार्ट करते हैं। किसी को अभी मेरे बारे में और कुछ भी जानना है तो आप फेसबुक आईडी में जाइए, हम अभियुम राजपूत डेली डालिए, वहां से आप देख लेना क्या क्या है, कितने एग्जाम निकाला हूं क्या है, आपको पता चल जाएगा। चलो स्टार्ट करें फिर अपन। देखो तो अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं, समझ दो अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम अपन स्टार्ट करने वाले हैं। कंट्रोल सिस्टम अपने स्टार्ट करने वाले, देखो आप ध्यान देना, आप अपन देखो भाई आप गुजरात से हो कहाँ हो, अब मैंने इतना ध्यान मत दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो और मेरा मेन काम है आपको पढ़ाना। तो आप क्वालिटी से रखना, आपको क्वालिटी एक दो टॉपिक के बाद आपको पता चल जाइए। कंट्रोल सिस्टम में कोई भी गेट या क्वेश्चन नोट्स के बाहर से नहीं होगा। और थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मैं जो आपसे कह रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए गुड न्यूज भी है कि थर्ड ईयर वाले भी गेट में आप अलाउ हो गए हो। तो जैसे अमित साहब पाटिल नेटवर्क में कौन सा लिंक सर टेलीग्राम पर, वो बेटा मैं आपको बता दूंगा, अभी क्लास चलेगी सर, सब्जेक्ट का अभी इंट्रोडक्शन देना, कोई दिक्कत नहीं है सौरभ बेटा, सब्जेक्ट चलता रहेगा, इंट्रोडक्शन मिलता रहेगा आपको, बात ही। तो अपन कंट्रोल सिस्टम पढ़ने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो ऐसे बात करने से कुछ काम नहीं चलेगा, देखो स्टार्ट करते हैं। अब एक बार आप ध्यान देना, देखो कंट्रोल सिस्टम कई लोग मेरे से पढ़े भी हैं, कई लोग गेट फ्लिक्स में मैंने रिकॉर्ड भी किया है, उन लोगों को भी आपको पता है कि भाई कैसे क्या क्वालिटी है। प्लीज यहाँ भी आप ध्यान से पढ़ना मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, और लाइव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बताऊँ। कोई भी डाउट हो टॉपिक के बाद आप मेरे को पूछते जाना, मैं आपको एक अपना कंट्रोल सिस्टम का ग्रुप भी बना लेंगे हम लोग, उसमें पीडीएफ डाला करेंगे। तो पहली एक बात मैं आपको बता दूं, नो आपको पीडीएफ फॉलो करना है जो मैं आपको भेजने वाला हूं। आपको मैं गेट के पहले कहता हूं, गेट के
87 से लेके 2019 तक के सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के मैं क्लास में ही सॉल्व करवा दूंगा, वो आपको बढ़िया रहेगा एकदम, मैं क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। तो वीडियो मैंने थोड़ा अपना बंद किया है, ऑडियो आपको आ रहा होगा, ऑडियो आवाज आप सब लोग को ऑडियो आवाज आ रहा होगा, ठीक है ना। आप सब लोग स्टार्ट करते, कुछ लोग बेफालतू क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, ये क्या गेट प्ले, ये देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सब पढ़ने पे ध्यान देना, चालू करो, कई लोग बोल भी रहे हैं जो पढ़ने वाले लोग हैं, ऐसे टाइम वेट करने से कोई मतलब नहीं, और प्लीज अब ध्यान से पढ़ना जो मैं आपसे कह रहा हूँ, बात है काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो पढ़ने के पर्पज से नहीं आएंगे तो वो अपन उनका केयर नहीं करेंगे, दो ध्यान देना। तो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी की भी स्टार्टिंग बहुत लो लेवल से करने वाला हूँ, लो लेवल टू डेप्थ लेवल, लो लेवल टू डेप्थ। तो कंट्रोल सिस्टम अपन बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, राइटिंग भी अच्छी लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आप ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। देखो हाँ, देखो ध्यान देने को, देखो अपन पहले जो पढ़ने वाले हैं, अपन पहले सिलेबस लिखा देता हूँ, पहला अपन जो पढ़ेंगे इसमें मैं लिखा देता हूँ, पहला जो सिलेबस लिखा देता हूँ एक बार, ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, रिएक्शन टेक्निक, सिलेबस लिखा देता हूँ एक बार, रिएक्शन टेक्निक, एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, दूसरा जो अपन पढ़ने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट, टाइम रेस्पॉन्स। ठीक है, तीसरा जो अपन पढ़ने वाले हैं वह राउथ हर्बर्ट्स। चौथा जो पढ़ने वाले अपन वो पढ़ने वाले हैं रूट लोकस। फिफ्थ जो पढ़ने वाले अपन वो पढ़ने वाले अपन वर्ड प्लॉट। ठीक है, सिक्स जो पढ़ने वाले अपन वो पढ़ने वाले अपन पोलर प्लॉट। सेवेंथ जो पढ़ने वाले अपन नाइक्विस्ट प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट। एट पढ़ने वाले अपन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट। हाँ बेटा सब कुछ क्लियर हो गया यार, आप ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो सर बेसिक्स अच्छे से करवाना ना, सर कुछ सब कुछ क्लियर हो गया यार, मैं बताऊँ आपको, रेजोनेंट पीक, अब टेंथ अब पहली क्लास है यार, रेजोनेंट पीक एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आप ऐसे कैसे काम चलेगा यार। आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो मेरे को जानने के लिए जरूरी है, आप और लोगों से पूछो, एमटेक है भाई कानपुर से, पीएचडी भी चल हो गई है वहां से, ऐसे थोड़ी आ रहा स्टेट स्पेस एनालिसिस, स्टेट स्पेस एनालिसिस। और फिर टेंथ होगा कंपनसेटर, इलेवन होगा कंट्रोलर, ये सिलेबस है एक बार देखो। तो ये ठीक है, ये सिलेबस है, सनी के सही कह रहे हैं सर, इग्नोर फालतू कमेंट, फालतू क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो कुछ लोगों को इग्नोर करना ही पड़ेगा, मैं बताऊँ आपको। और वास्तव में सही बताऊँ, आप मेरे से अच्छे कहीं आप नेटवर्क पढ़ भी नहीं सकते, मैं इस बात का भी मैं आपको प्रोमिस कर देता हूँ, मेरे से अच्छा आप पूरे इंडिया में किसी नेटवर्क पढ़िए, तो आप जिन्होंने नेटवर्क पढ़ा है उनको पता है मैं किस लेवल का पढ़ाता हूँ, कंट्रोल सिस्टम भी किस लेवल का पढ़ाता हूँ। तो प्लीज बेफालतू क्वेश्चन वहीं से मत करो कि क्या है क्या नहीं है, आप पढ़ाई पर ध्यान दो तो अच्छा है, मैं बताऊँ आपको। तो किस लेवल का हूँ, एम टेक है IIT कानपुर से, तो कोई मजाक तो है नहीं सब लोगों का, मैं बता दूँ सब, बहुत कम लोग हैं जो इस टेक में IIT कानपुर से बी टेक भी है और एम टेक भी है,
तो प्लीज मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे आपको फॉलो करना है, तो गारंटी नहीं रहेगी बता रहा हूँ। डीआरडीओ में रैंक 2 भी है भाई, इसरो में रैंक 5 है बताऊँ आपको, और ईएस पहले से ही जॉब में बताऊँ आपको। तो बेफाल तो क्वेश्चन मत करो, प्रोफाइल देखोगे पता चल जाएगा फेसबुक पे किस लेवल का प्रोफाइल है। बेफाल तो क्वेश्चन करोगे तो कोई मतलब नहीं है बता दूं मैं आपको। तो प्लीज मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उस पर ध्यान दो, मैं कैसे क्या कह रहा हूँ तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो एक बार आपने देख लिया होगा सिलेबस कैसे क्या, सागर कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल और इसी का सेम सिलेबस है क्या भाई? आपको नहीं पता भाई सागर प्रला इसी और इलेक्ट्रिकल में कोर सब्जेक्ट अलग अलग है। देखो अब देखो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन आप दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से या फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ से। तो पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूं सिग्नल फ्लो ग्राफ, तो मैं आपको बोलते भी चल रहा हूं तो आपको ध्यान भी देना है, और राइटिंग मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया राइटिंग हो रही है, ठीक है ना? देखो तो मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ किसी के, क्योंकि कमेंट पढ़ने से मैं पढ़ा ही नहीं सकता जैसे आप कमेंट कर रहे हो, मैं बताऊँ आपको। तो मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा, स्टार्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, आप जो भी है टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है बताऊँ। देखो तो मैं आपको वैसे बनवा रहा हूँ, नोट्स भी बना लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, वैसे मैं पीडीएफ भी भेजने वाला हूँ, नोट्स बना लोगे अच्छा रहेगा। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ थोड़ा बढ़िया मेथड होता है, इसमें पहला आता है मेसन्स गेन फॉर्मूला, किसी ने रेज और एंड किया है क्या? इसकी शॉट ले सकते हो तो वो आपके ऊपर है, वो मैं सुन आप पे कमेंट पढ़ना बंद करना ही पड़ेगा मेरे को बताऊं, और कोई उपाय है नहीं। आप ऐसे देखो तो प्लीज मैं कह रहा हूं, देखो एक हमारा होता है एग्जाम बेसिस पे क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बताते जा रहा हूं। वैसे पढ़ने पे तो मेरे कंट्रोल से ना पीएचडी है, तो मैं आपको आराम से, अगर आप कहो सर मुझे एकदम पीएचडी करना है तो मैं आपको तो 2000 घंटे भी कंट्रोल सिस्टम पढ़ा सकता हूं। पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं जितना गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा, गेट से भी मैं कहीं ज्यादा पढ़ाऊंगा ईएस मेंस लेवल का, तो आप समझते आना मैं कैसे क्या कर रहा हूं और कैसे क्या समझना। तो स्टार्ट करते हैं अपन मेसन्स गेन फॉर्मूला। देखो तो मेसन्स गेन फॉर्मूला यूज इसलिए किया जाता है, जब भी आपको किसी भी मेसन्स गेन फॉर्मूला का यूज इसलिए किया जाता है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए। अगर किसी का मैं ट्रांसफर फंक्शन बोलूं तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो के इक्वल टू होता है 1 से लेके एन आपका, योग आपका पी के, योग डेल के डिवाइड बाई क्या होगा भाई डेल। बिल्कुल पास सही बोल रहे हैं सर, आप अपने तरीके से कंटिन्यू कीजिए और मैं अपने तरीके से कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से चलने लगा तो कुछ नहीं होने वाला भाई। प्रोफाइल देखो मेरे ऐसे नहीं है, इसरो रैंक, गेट रैंक, ईएस रैंक और आपका बहुत सारे आईओसीएल रैंक, तो बेटा बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है। तो के इक्वल टू 1 to n पी के डेल के डिवाइड बाई डेल। अब सबसे पहले मतलब है पी के क्या है अपना, पी के इज द केथ फॉरवर्ड पाथ, केथ फॉरवर्ड पाथ, पी के इज द केथ फॉरवर्ड पाथ मैं बताऊं, और n जो है आपका ये नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, ये क्या आपका नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, एन जो है वो नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, ठीक है ना? तो ठीक है, तो अपन नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ और पीके फॉरवर्ड पाथ में क्या अंतर है वो अपन देखेंगे, सबका रियल एप्लीकेशन भी बताऊंगा मैं थोड़ा बाद में, एक बार स्टार्ट तो कर लो, टेंशन मत लो आप। देखो अब जैसे मैंने किसी को जैसे इनपुट लिखा है, ये मेरा एक्स है, एक्स मेरा इनपुट है, ये मेरा भाई है, मेरे को पता मैं कितना भी कह लूं पर कुछ लोग नहीं सुधरने वाले बात, तो कोई मतलब नहीं है। फिर देखो चाहे आप इनपुट से आउटपुट गए, एक तो आप ऐसा गए मान लिया ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर की है, और दूसरा आप ऐसे गए मान लिया 1 किलोमीटर की है 10 किलोमीटर,
और तीसरा आप ऐसे गए, मान लिया 1 किलोमीटर है आपका, 100 किलोमीटर मानने के लिए, समझाने के लिए बोलिए, फिर ध्यान से पढ़ो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अब कोई कमेंट तभी पूछा डाउट हो तो। अब देखो नंबर ऑफ फोटोपाथ 3 है, एक नंबर आप ऐसे जा सकते हो, दूसरा ऐसे जा सकते हो, तीसरा ऐसे जा सकते हो, नंबर ऑफ फोटोपाथ 3 है। तो यहाँ एन जो है वो नंबर ऑफ फोटोपाथ है जो कि 3 है, और पी के जो पहले फोटोपाथ की वैल्यू है जो कि 1 किलोमीटर है, ये दूसरे फोटोपाथ की वैल्यू है जो कि क्या है 10 किलोमीटर, और तीसरे फोटोपाथ की वैल्यू है जो कि आपका 100 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है अपन यहाँ नंबर, ये जो एन जो होता है वो नंबर ऑफ फोटोपाथ है, और पी के जो है उस फोटोपाथ की क्या भाई वैल्यू है, कि उस फोटोपाथ की वैल्यू कितनी आ रही है। डेल के, अभी डेल के बता रहा हूँ यार, आप पैसे ही पूछ रहे हो, कोई मतलब नहीं चिराग, तो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हो चिराग आपकी फालतू, कोई मतलब नहीं है तुम डी के मतलब, अभी स्टार्ट किया नहीं मैंने डी के मतलब। तो यहाँ पर ये देखिए अपन ये हुआ, अब हमें इसके डी के बारे में जानना है कि डी के क्या है और डेल क्या है। देखो अब यहाँ पर देखें डी के बारे में क्या है, डेल क्या है, उसके बारे में अपन देखें, चिराग पढ़ाया नहीं पहले स्टार्ट हो गया, ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हो डेल के। अब डेल के की बात करें, डेल के क्या होगा भाई, 1 माइनस ये होगा आपका सम ऑफ ऑल लूप विच इज नॉट टच, विच इज नॉट टच पी के फोटोपाथ। साथ ही साथ मैं बोलता भी चलना भाई, थोड़ा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो थोड़ा पेड पे तो राइटिंग ऐसे आती है आप जानते ही हो, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप विच इज नॉट टच पी के फोटोपाथ। अभी डेल के और डेल में अंतर बताऊंगा, और डेल जो है यहाँ डेल थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, डेल वन माइनस सम ऑफ ऑल लूप प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग। फिर आगे होगा तो माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग। डेल क्या है, डेल के और डेल क्या है, देखो डेल के और डेल में आपको अंतर समझना जरूरी है, क्या है डेल जो है 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप, डेल के जो है 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप विच इज नॉट टच पी के फोटोपाथ। इसका मतलब यहाँ पर क्या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, यहाँ पर क्या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप विच इज नॉट टच पी के फोटोपाथ। दोनों में सिमिलरिटी देखते हैं, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, बेफालतू क्वेश्चन करते रहो बेटा, कोई मतलब नहीं है, समझता हूँ आपको। तो इसमें देखो माइनस, माइनस के बाद प्लस फिर माइनस, डेल में भी देखो माइनस, माइनस के बाद प्लस फिर क्या माइनस, इसका मतलब दोनों में एक के बाद एक साइन क्या कर रहा है आपका चेंज कर रहा है, चाहे आप डेल के की बात करो चाहे डेल की बात करो, एक छोड़ के एक साइन चेंज कर रहा है अल्टरनेटिव। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप यहाँ पर भी होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप यहाँ पर भी होगा,
बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन होगा विच इन नॉट टच अप पी के फोर पार्ट। इसका मतलब है पी फोर पार्ट के साथ कंडीशन है जबकि डेल जो है वो पी के फोर पार्ट के साथ कंडीशन नहीं है। अगर आप पी के फोर पार्ट को आप के साथ कंडीशन को रिमूव कर देते हो डेल के में से, तो डेल के और डेल दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं यहां लिख रहा है फोर पार्ट, तो मेरे को बताओ एक फोर पार्ट की डेफिनेशन क्या होती है, बताओ एक फोर पार्ट की डेफिनेशन बताओ। और आपको सब लोगों को कमेंट सेक्शन बताना है कि फोर पार्ट की डेफिनेशन क्या है, सब लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि फोर पार्ट की डेफिनेशन क्या है। तो आप सब लोग टाइप करो कि फोर पार्ट क्या होता है, सब लोग अपने कमेंट सेक्शन में टाइप करो कि फोर पार्ट क्या होता है, फिर मैं दिखता हूँ कितने लोग बेफालतू तो क्वेश्चन तो आप करे जा रहे हो, कोई टाइप नहीं कर रहा, तो टाइप करो। सब लोग लग रहे हैं इनपुट से आउटपुट, इनपुट से आउटपुट, सब लोग लग रहे हैं इनपुट से आउटपुट, सब लोग लग रहे हैं इनपुट से आउटपुट। राधिका अग्रवाल इनपुट से आउटपुट, सर नहीं पता मीट विच कैन फ्लो वन डायरेक्शन। चिराग लिख रहे हैं फॉर्म विच आउटपुट से इनपुट, सर्किट इन वन डायरेक्शन। मनीष लिख रहे हैं, राज लिख रहा है कि पाथ कनेक्टिंग टू मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। शुभम जानी लिख रहे हैं यू ऊपर चले गए सर, थोड़ा आवाज सर प्लीज थोड़ी आवाज सर। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन डायरेक्शन टू इनपुट टू आउटपुट। अंशु लिख रहे हैं, स्वाति लिख रहे हैं कि एनी डायरेक्शन ऑफ टू पॉइंट, के वी लिख रहे हैं एनी डायरेक्शन ऑफ टू पॉइंट। तो सही डेफिनेशन अभी तक किसी ने नहीं बताई, तो आपको सब लोग गलत थोड़ा थोड़ा कम। स्टेट वेक्टर पार्ट फ्रॉम टू पॉइंट, देखो मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ आप रहने दो आपको, चलो मैं बताता हूँ आप सब लोगों को डेफिनेशन ऑफ फोर पाथ क्या होती है। वैसे मैं आपको पीडीएफ भी भेजने वाला हूँ, जैसे पहले नेटवर्क के जो भेजे थे, फोर पाथ की डेफिनेशन क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फोर पाथ वह पाथ होता है जो इनपुट से आउटपुट को कनेक्ट करता है। It will never be in loop form. It will never, ये important है, never be in loop form. तो फॉर पाथ वह पाथ होता है जो इनपुट से आउटपुट को कनेक्ट करता है, और वो कभी भी किस फॉर्म में नहीं होता भाई, लूप फॉर्म में नहीं होता, वो कभी लूप फॉर्म में नहीं होता। जैसे मैं बात करूं, जैसे मेरा ये इनपुट है, जैसे मेरा ये आउटपुट है, और ये जैसे मैंने ये लिया कोई, जैसे मैंने मान लिया ये P1 फोर पाथ है, ठीक है, तो इनपुट से आउटपुट को कनेक्ट किया, ये फोर पाथ है, और ये मान लिया इसकी वैल्यू भी मैं मान सकता हूँ 1, और ये लूप फॉर्म में भी नहीं है, तो फोर पाथ की वैल्यू हो गई 1। अगर पर मैं डायरेक्शन ऐसे बना दूँ P1 की वैल्यू 1 है, ये इनपुट मेरा एक्स है, ये आउटपुट मेरा वाई है भाई, और ऐसे कोई मैंने एक डायरेक्शन ऐसे और बना दी, इसकी वैल्यू जो है मान ली, इसकी वैल्यू आपका -1, चलो -1। अब देखो ये इनपुट से आउटपुट है, लूप फॉर्म में नहीं है, तो ये पहला फोर पाथ हो गया। अब दूसरा फोर पाथ आप ऐसे नहीं कह सकते, जैसे आप देखो एक और बनाता हूँ, जैसे ऐसे कोई है 1 1, ये 10, ये मान ले 2 है, और ये आपका इनपुट एक्स है, आउटपुट वाई है। अब यहाँ पे ध्यान दो, आप इनपुट से आउटपुट जो होता है फोर पाथ होता है, वह कभी लूप फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो आप पहले गए इनपुट से आउटपुट, आप ऐसे गए इनपुट से आउटपुट,
तो पहला जो फोर पार्ट हो गया वो 1 × 10 कितना हो गया भाई, 10 हो गया। अब कोई कह सकता है सर दूसरे में भी तो मैं इनपुट से आउटपुट गया हूँ, कोई मेरे को ऐसे बोल सकता है सर इसमें भी तो मैं इनपुट से आउटपुट गया हूँ या सेकंड वाले में, कोई बोल सकता है आप इनपुट से आउटपुट गए हो पर एक किस फॉर्म हो गया, लूप फॉर्म में, और फोर पार्ट कभी लूप फॉर्म में नहीं होता। तो फोर पार्ट वह पार्ट होता है जो इनपुट से आउटपुट को कनेक्ट करता है, वह कभी भी किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, लूप फॉर्म में। तो ये भी मैंने छोटी सी डेफिनेशन बताई है, इसको और मैं समझाने वाला हूँ, थोड़ा आगे ले जाता मैं बताऊँ आपको। अभी मैं आपको इतना समझ में आना चाहिए, फोर पार्ट इज द पार्ट विच कनेक्ट इनपुट विद आउटपुट, इट विल नेवर बीन लूप फॉर्म। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फोर पार्ट इज द पार्ट विच कनेक्ट इनपुट विद आउटपुट, इट विल नेवर बी इन लूप फॉर्म। ऐसे में पीडीएफ भी भेजने वाला हूँ। तो फोर पार्ट आपको आइडिया लगा भाई कि फोर पार्ट कभी लूप फॉर्म में नहीं होता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फोर पार्ट कभी लूप फॉर्म में नहीं होता। इतना समझ में आया हो तो आप यस सर यस सर यस सर कमेंट सेक्शन में लिखो, से मेरे कॉन्फिडेंस है, फिर अपन आगे बढ़े। तो प्लीज आप कमेंट किया करो, जो पहली क्लास है फिर आपको एकदम मजा आएगा। तो इतना ये अगर इसका किया तो यस सर आप मैक्सिमम लोग लिखो, कुछ लोग नेगेटिव होंगे इसमें पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, तो उनसे मेरे को लेना देना नहीं है भाई। मैक्सिमम से मैक्सिमम यस सर लिखो, बताओ। कुछ लोग दूसरी कोचिंग वाले ही होंगे, वो चाह रहे होंगे कंट्रोल सिस्टम नहीं परेशान करे हो, तो अब यस सर लिखो, इससे मेरे कॉन्फिडेंस है। नेगेटिव जो पर्सन है वो दूर भागे यहां से, तो नेगेटिव पर्सन दूर भागे यहां से, क्योंकि तो नेगेटिव वाले तो कुछ मतलब नहीं है उनको, बस दिमाग खराब करने से मतलब है उन लोगों को। तो फोर पार्ट वह पार्ट होता है जो इनपुट से आउटपुट को कनेक्ट करे, वह कभी भी आपका लूप फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सब पढ़ाने वाला हूं, ट्रांसफर फंक्शन फॉर्मूला सब कुछ। कई लोग फालतू के आईडी से खुद नाम कोई दूसरा डाल रखा है। ओपन लूप क्लोज लूप सब बताने वाला हूँ, भावे से यार आप ऐसे करोगे रेज योर हैंड बताओ। अभी स्टार्ट में जो बता रहा हूँ अभी उस पर ध्यान दो, ओपन लूप क्लोज लूप सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, पीडीएफ भेजूंगा तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो आप पढ़ाने तो मेरे को मेरे हिसाब से भाई, अब आप अपने हिसाब से है तो फिर कोचिंग करने की क्या जरूरत पड़ती है अगर आपको। देखो सोम जाने से कह रहे सर आप चैट मत पढ़ो, चलो ठीक है। मेरे पर ट्रस्ट करो, मेरे भरोसा करो, बहुत अच्छा होगा। अब देखो यहाँ पर तो फोर्थ पार्ट ये हो गया, अब सेकंड आपको लूप के बारे में पता होना चाहिए। लूप, अब लूप की मेरे को डेफिनेशन बताओ आप, आंसर तो सही बताते नहीं है नेगेटिव वाले लूप। लूप क्या होता है, लूप क्या होता है, लूप के बारे में बताओ, लूप क्या होता है कमेंट सेक्शन में आप टाइप करना, फिर मैं बताऊँ लूप क्या होता है, मैं देखता हूँ कितने लोग सही बताते हैं। लूप, लूप क्या होता है एक बार बताइए। क्लोज पाथ, यस लिख रहे हैं क्लोज पाथ, हमेशा पटेल लिख रहे हैं इट इज क्लोज पाथ, जीत लिख रहे हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम लिख रहे हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम वन नोड टू अनोड, प्रकाश बब्बर सिंह लिख रहे हैं वन टाइप क्लोज पाथ, एक्स वाई जेड कुछ लिख रहे हैं, ध्रुव सेठी लिख रहे हैं वन पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम विथ क्लोज पाथ, मोहित स्टार्टिंग एंड पॉइंट सेम, रामू लिख रहे हैं विथ डज नॉट कवर फॉर पाथ, सारे हुआ। देखो जहाँ से शुरू होता है वहीं पे खत्म होता है, ये लिख रहे हैं आदित्य वाला, द इट कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट इन वन सर्किल स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम लिख रहे हैं, इट इज ए लूप इन टर्मिनेटिव विद ये उर्वशा स्टार्टिंग स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम, डेल डेल किसी का नाम थोड़ी होता होगा। तो चलो मैं बताता हूँ, जय बेटा वे फालतू कमेंट है आपके, कोई मतलब नहीं है बेटा। देखो मैं बताता हूँ, लूप वह होता है जहाँ से स्टार्ट किया है दोबारा वहीं पे आना चाहिए और एक नोड को एक बार टच करना चाहिए। तो लूप के बारे में लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, इन केस ऑफ लूप ओरिजिनेशन नोड इटसेल्फ विल बी टर्मिनेशन नोड, ओरिजिनेशन नोड इटसेल्फ विल बी टर्मिनेशन नोड, इट विल नॉट ट्रेवल मोर देन वन नोड ट्वाइस, ये इम्पोर्टेंट है। एक तो इम्पोर्ट यही है कि स्टार्टिंग नोड इटसेल्फ विल बी टर्मिनेशन नोड, इट विल नॉट ट्रेवल
नोड देन वन नोड ट्वाइस, इट विल नॉट ट्रेवल मोर देन वन नोड ट्वाइस. इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. इस लाइन का मतलब क्या है, तो इस लाइन का मतलब समझाने के लिए थोड़ा आप ध्यान दो. जैसे मैंने दो तीन डायग्राम बनाया, आपसे पूछा लूप कि आप लूप बताओ इसमें. एक तो मैंने ये डायग्राम बनाया, चलो मैंने ये डायग्राम बनाया, ऐसा बना, डेफिनेशन बेटा मैंने बिस्वारा मैंने आपको पीडीएफ भेजूंगा बेटा, उसमें मैं आपको मिल जाएगी. अभी आप थोड़ा समय ले पे जान दो, पीडीएफ में आप सबको भेजने वाला हूँ. तीसरा आप अपने ये देख सकते हैं, देखो कोई कहता आवाज कम है, कोई कहता आवाज ज्यादा है. वाह भाई वाह, समझ में नहीं आ रहा यार आप लोग कैसे. पहली बार देखा मैंने किसी बैच में ऐसा, और ही बैच में ले रहा हूँ पर ऐसा कोई कोई बैच नहीं है. कितना परेशान करती हूँ आप. सामने होते ना तो बता देता एक बार मैं आपको. फैकल्टी को परेशान करना समझ लो. आवाज परफेक्ट है, सही है, कई लोग फ्री परेशान कर रहे हैं. देखो तो जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आपने जहाँ से स्टार्ट किया दोबारा वहीं पहला लूप, तो पहला लूप ये हो गया. जैसे ये लूप है, मेरे को पता है मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ. पहला लूप जहाँ से स्टार्ट किया दोबारा वहीं, दूसरा लूप ये, आपने जहाँ से एरो की डायरेक्शन में जाना है आपको, दूसरा लूप ये, हम जहाँ से स्टार्ट किया दोबारा वहीं. तो एक तो लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया, जहाँ से जाना किया दोबारा स्टार्टिंग. तो इस वाले में देखें नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ लूप बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगा. इतना बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और देखना पीएचडी कराऊंगा फिर मैं. अब कोई कह सकता सर बड़े वाला लूप क्यों नहीं हुआ, कोई मेरे से ये पूछ सकता है सर ये बड़े वाला लूप क्यों नहीं हुआ. देखो एक बार आप जाते समय इस नोड को टच किए और दूसरी बार आप आते समय इस नोड को टच किए, तो इस नोड को दो बार टच कर गए इसलिए लूप नहीं होगा. तो बड़े वाला लूप इसलिए नहीं बना, बड़े वाला लूप जो है वो इसलिए नहीं बना. अब बड़े वाला लूप बोलोगे एक बार आप जाते समय इस नोड को टच किए और दूसरी बार आप आते समय इस नोड को टच किए, तो इस नोड को दो बार टच कर गए इसलिए क्या नहीं बना आपका लूप नहीं होना. तो पहले वाले में दो लूप है, ठीक है. अभी आंसर नहीं पूछ रहा मैं, वैसे सही है, बाद में पूछूंगा समझा. एक बार आपने यहाँ से जाना स्टार्ट किया दोबारा यहीं पहला लूप, दूसरा आपने यहाँ से जाना स्टार्ट किया दोबारा यहीं दूसरा लूप. अब कोई मेरे से कह सकता है सर बड़े वाला लूप आपने क्यों नहीं बनाया, बड़े वाला लूप आपने क्यों नहीं बनाया. तो एक बार जाते समय आप ऐसे गए, एक बार आप आते समय ऐसे गए, तो इस नोड को दो बार टच कर गए एक बार जाते समय और दूसरी बार समय, तो इस नोड को दो बार टच कर गए इसलिए लूप नहीं है. इसलिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ लूप टू कितने बनने वाले हैं, दो. कितने बनने वाले हैं, दो. तीसरा देखो पहला लूप दूसरा लूप, एरो की डायरेक्शन में एरो काफी इंपॉर्टेंट है. बड़े वाला आप नहीं बना सकते, बड़े वाला क्यों नहीं बना सकते, बड़े वाला इसलिए नहीं बना सकते अपन, बड़े वाला इसलिए नहीं बना सकते मैं बता दूं क्योंकि अपन एक बार जाते समय इस नोड को टच किए हैं, एक बार जाते समय इस नोड को टच किए हैं और दूसरी बार आते समय, तो जाते समय आते समय दो बार टच करेंगे नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. लास्ट वाला बचा, अब एक बार उसका देखते हैं क्या है क्या नहीं. तो पहला देखा, पहला लूप ये हो गया आपका, दूसरा लूप ये हो गया एरो डैश में, तीसरा लूप ये हो गया. चौथा लूप देखो भाई, चौथा लूप जो है, चौथा लूप देखो, चौथा लूप में जो कहना चाहूँ ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ. देखो ये ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और ऐसे हो गए ऐसे गए ऐसे गए और दोबारा यही आए. कहीं भी एक नोड को दो बार टच नहीं किया तो ये होगा एल फोर, क्योंकि यहाँ एक बार जाते समय दूसरी बार आते समय दो बार टच, एक बार जाते समय एक बार आते समय दो बार टच और यहाँ पे एक बार जाते समय एक बार आते समय दो बार टच, यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ. तो लूप वह होता है जो एक नोड को जहाँ से स्टार्ट किया दोबारा वहीं आए
और एक नोड को एक बार क्या करें आप टच करें। तो फॉर लूप वो होता है जिसका ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन पॉइंट सेम हो और एक नोड को दो से ज्यादा बार क्या नहीं करे भाई, टच नहीं करना चाहिए। सबसे फर्स्ट कॉलम में क्या क्या बताया सर? कुछ नहीं बताया बेटा, दो चार मैंने आपको रिपीट कर दिया। आप कह रहे सर जोर से बोलिए, वाह भाई वाह, आवाज क्लियर है? सब लोग बताना एक बार, आवाज क्लियर है क्या? एक बार सब लोग बताना आवाज क्लियर है क्या? सब लोग बताना एक बार नहीं कमेंट में, सही आवाज आ रही है? फिर भी लोग देखो आप। तो लास्ट वाला राज पूछ रहे हैं, मैं रिपीट करता हूँ राज आपके लिए, लास्ट वाला वॉइस बिल्कुल क्लियर है वॉइस, फिर भी लोग कुछ नहीं हो सकता भाई। देखो जैसे मैंने लास्ट वाले ये बेटा जो आप पूछ रहे हो क्या नाम है राज, ऐसा था देखो। लास्ट वाला मैं एक बार रिपीट और कर देता हूँ, देखो ये था बेटा राज, ये था बेटा। ये था बेटा राज, ठीक है। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी आवाज सही नहीं आ रही होगी खुद के नेटवर्क में शो होगा बताओ, नहीं तो लोग सब कह रहे हैं आवाज सुनाई दे रही है। देखो राज पहला मैं ये बोल सकता हूँ राज, L1 एरो की डायरेक्शन बेटा राज। दूसरा बेटा ये L1 बेटा राज। दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ बेटा L2 राज, ये होगा L2। और तीसरा बेटा ये L3 राज। तीन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा राज आपको, ठीक है राज बता देना। चौथा देखो चौथे वाला मैं जो बता रहा हूँ बेटा राज, देखो ये एक नोट को दो बार टच नहीं करा। देखो चौथे वाला मैं बनाते जा रहा हूँ थोड़ा, देखो बेटा राज कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं एक नोड को दो बार टच किया हो, इसलिए बेटा नंबर और लूप चार होंगे, ठीक है बेटा राज। राज आप यस सर करो फिर, आप अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप यस सर करो बेटा राज, क्लियर राज? ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। फोर्थ वाले में चार होंगे अमित पटेल, देखो तीन है चार, अमित चार होंगे, करेंगे ना बेटा ऊपर वाला कंसीडर। चलो ये इतना हुआ, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम करा रहा हूँ, वो प्रॉब्लम समझना फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और वो प्रॉब्लम सिग्नल फ्लो और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी और सबसे इम्पोर्टेंट होगी। वो प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम है 20 नंबर की। अब कोई कह सकता है सर 20 नंबर की प्रॉब्लम क्यों करा रहे हो? बेटा ये 20 नंबर की प्रॉब्लम कराना जरूरी है, इसलिए आपको ही थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। मैं गेट से कहीं ऊपर आपका लेवल हुआ, पहले मैं कराऊंगा आपको प्रॉब्लम फिर आपसे करवाऊंगा, दोनों तरफ से इंटरेक्शन होना जरूरी है बेटा। देखो तो मैं बोलूँ आपसे फाइंड ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट वाई वाई एस वाई एक्स, ठीक है। और ये डायग्राम थोड़ा बड़ा डायग्राम जरूर है, ये एक्स वन ये आपको इनपुट एक्स है, ये आउटपुट वाई है, सीधा आउटपुट और ये सीधा इनपुट। ऐसे कोई बना रहा है? अब किसका सिग्नल फ्लो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट से कैसे बनेगा वो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले तो ये बनाए बनाए दे रखा है ये डायग्राम। अब ये सिग्नल फ्लो आप किस इलेक्ट्रिकल सर्किट का है ये मैं बाद में बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से सिग्नल फ्लो आप कैसे बनाते हैं वो मैं बाद में समझाऊँ, अभी तो हमको क्यों बनाए बात है कैसा क्या है जो है। और 20 नंबर की प्रॉब्लम है और ध्यान समझना सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम है,
तो कोई अभी पेन नहीं चलाया, कुछ नहीं चलाएगा, पहले आप समझो, समझ में आया फिर आप डाउट करना, बीच में कोई डाउट नहीं करेगा। अब पहले देखते हैं, पहले अपन सबसे देखते हैं फोर पार्ट। फोर पार्ट फोर पार्ट क्या बोला है? फोर पार्ट वह पार्ट होता है जो इनपुट से आउटपुट को कनेक्ट करे, वह कभी लूप फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे आप ऐसे गए, आप इनपुट से आउटपुट गए तो क्या हुआ, वन इंटू पी के तो हो गया पी के। आपको ये तो पता होगा जैसे किसी का गेन टू है और ये गेन थ्री है, ये आपका इनपुट है, ये आपको पता होगा, फिर बताऊँ ये आउटपुट है। अगर कभी एक का इनपुट दूसरे के लिए आउटपुट, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट, कैस्केडिंग, और कैस्केडिंग में इन दोनों गेन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री को आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, तो ये हो गया सिक्स, ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया। तो ऐसे ऐसे मैंने क्या किया, एक का आउटपुट दूसरे इनपुट का काम कर रहा, कैस्केडिंग की और कैस्केडिंग में दोनों को मल्टीप्लाई। अब देखो ऊपर से तो कोई दूसरा है ही नहीं जो आप इनपुट से आउटपुट कनेक्ट कर सको, पर यहाँ पे आप देखो कोई मेरे को ये कह सकता है, सर आपने ये क्यों नहीं लिया, कोई मेरे को ये कह सकता है सर ये भी तो इनपुट से आउटपुट गया है, सर ये भी तो इनपुट से आउटपुट गया, ये क्यों नहीं लिया। भाई इनपुट से आउटपुट तो गया पर एक किस फॉर्म में गया, लूप फॉर्म में, और फोर पाथ कभी भी लूप फॉर्म में नहीं होता। तो फोर पाथ वह पाथ होता है जो इनपुट से आउटपुट को कनेक्ट करे, वो लूप फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में एक ही फोर पाथ दूसरा नहीं है, और एक फोर पाथ की जो वैल्यू कितनी है पीके, इतना समझ में आया तो सब लोग लिखो नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, सब लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखो आपको समझ में आया, फिर मैं लूप की बात करूंगा। तो एक मैं बात करता जाऊंगा जिससे आपको चीजें समझ में आए बहुत अच्छी तरह। नो प्रॉब्लम सर आप लोग लिखिए, एनपीएस लिखकर दिया करो, एनपीएस, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, क्योंकि कुछ नेगेटिव लोग बहुत है इसमें भाई, बताओ इनको पढ़ने लिखने से मतलब नहीं, उनको कमेंट अगर मैं पढ़ता रहा तो फिर जो पढ़ने वाला उसका नुकसान होगा कुछ। तो सबको फोड़पा समझ में आया होगा। तो ऊपर वाले लूप्स कनेक्ट क्यों नहीं है विजयवाड़ा, वो मैं बताऊंगा किस इलेक्ट्रिकल सर्किट का बताऊं। तो सब लोग लिख रहे हैं ये सर क्लियर है, सब लोग लिख रहे हैं ये सर, नेक्स्ट सर, चलो ठीक है नेक्स्ट। अब इतनी सी बात हुई, अब हमको देखना लूप, तो यहाँ लिख रहा हूँ लूप, लूप, लूप। तो लूप क्या होता है, जहां से स्टार्ट किया दोबारा वही आना चाहिए, और एक नोड को एक बार, तो पहला लूप ये एरो की डायरेक्शन जहां से गया दोबारा वही, दूसरा लूप ये जहां से गया दोबारा ये, तीसरा लूप ये जहां से गया दोबारा ये, और चौथा लूप ये, तो चार लूप। तो पहला हो गया लूप एल वन, दूसरा हो गया लूप एल टू, तीसरा हो गया लूप एल थ्री, और चौथा हो गया लूप एल फोर, चार लूप। ठीक है, चार लूप सबको समझ में आया, और एक फोर पार्ट, इतना समझ में आया सब लोगों को, इतना समझ में आया तो नो प्रॉब्लम सर लिखो आप सब लोग, इतना समझ में आया तो नो प्रॉब्लम सर लिखो, फिर अपन आगे और बात करते हैं इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। एनपीएस एनपीएस कर दिया करो, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। और जो पॉजिटिव वाले लोग हैं वो ज्यादा कमेंट किया करो, नो प्रॉब्लम सर, क्यों नेगेटिव वाले लोग उल्टा सीधा कमेंट करते रहते हैं भाई मेरे को, आपको तो नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को दिखाई दे रहा होता है। फॉर लूप बेटा मैंने बता दिए आपको, देखो कैसे फॉर लूप, चलो ठीक करते हैं। लूप का कोई वैल्यू नहीं दिया बेटा, नेक्स्ट 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 लिख रहे लोग सर, नेक्स्ट करो नेक्स्ट करो, बोल रहे चलो मैं करता हूँ, सही बोल रहे, नेगेटिव लोगों को रिमूव कर दो सर, नेगेटिव वे फालतू तो कमेंट कर रहे हैं कई लोग। तो ये था हमारा, एक बार मैं उसको और बना देता हूँ क्योंकि स्पेस मिल जाएगा, वन
और ये आपका पी के, ये था आपका वाई और ये था एक्स। ये कैसा था, दूसरा ऐसा था और तीसरा ऐसा था। बिल्कुल सही बोल रहे कि नेगेटिव वालों को रिमूव कर दो। देखो सही बात, देखो ध्यान देने के बाद तो अपन को पता चल गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कि ट्रांसफर फंक्शन जो है वो आउटपुट टू इनपुट होगा, वो होगा वाई एस बाई एक्सएस, वाई एस अपॉन एक्सएस। ठीक है, ये जो है के इक्वल टू आपका के इक्वल टू वन से लेके एन, और ये होगा आपका पी के डिवाइड बाई डी। ठीक है, अब देखो आप, तो देखो पहले मैंने देखा ये तो नंबर ऑफ फोर पाथ एक ही है, के इक्वल टू वन से लेके वन पी के डेल के डिवाइड बाई डेल, तो ये हो गया आपका पी वन डेल वन डिवाइड बाई डेल। ठीक, तो पी वन की वैल्यू पी के, ये तो मुझे पता है इस पी वन की जो वैल्यू हो कितनी आ रही है पी के। अब डेल वन मुझे पता नहीं, पता करना है, डेल मेरे को पता नहीं, पता करना है। तो देखो डेल के वन माइनस सम ऑफ ऑल लूप, विच इज नॉट टच पी के फॉर पाथ, पी के फॉर पाथ। ठीक है, जरूरत पड़ी तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप विच इज नॉट टच पी के फॉर पाथ, जरूरत पड़ी माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप विच इज नॉट टच पी के फॉर, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोर नॉन टचिंग लूप विच इज नॉट टच पी के फॉर पाथ। तभी ना मैंने बता दिया, नेटवर्क इशू था इसलिए नहीं समझ पाई, तब प्लीज एक्सप्लेन। बेटा मैं बता चुका हूँ टू इंटू थ्री कैसे हुआ, अब ऐसे तो नहीं हो सकता भाई। देखो डेल की, अब आप डेल के वन माइनस, देखो अब ये बताओ मेरे उन सब लूप का सम करना है जो पी के फोर पाथ को टच नहीं करते हैं, अल्टरनेटिव साइन लेना बेटा। देखो क्या एल वन है, एल वन क्या टच कर रहा, नहीं कर रहा, प्लस क्या एल टू टच कर रहा है इसको, नहीं कर रहा, एल टू टच नहीं कर रहा, प्लस क्या एल थ्री टच कर रहा, नहीं कर रहा, क्या एल फोर टच कर रहा है, हाँ जीरो। उन सारे लूप का सम करना है जो पी के फोर पाथ को टच नहीं करते, और दो लूप ऐसे देखने जो आपस में भी टच नहीं करें, किसको टच नहीं करें, पी के फोर पाथ को, ये एल वन एल टू आपस में टच नहीं कर रहे, एल वन एल टू, ठीक, प्लस एल वन एल थ्री आपस में टच नहीं कर रहे, एल वन एल थ्री, एल वन एल फोर, एल फोर वाला जो टच कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जीरो, कितना हो जाएगा भाई, जीरो। ठीक है ना बेटा, अरे हम ध्यान दोगे भाई, सबको समझ में आ रहा है ना इतना भाई। अरे यार आप ऐसा करोगे तो फिर बहुत डिमोटिवेट हो जाएंगे यार तुम, आप ऐसा करोगे तो बताऊँ आपको, समझ में आ रहा है सब लोगों के यार, आप ऐसा एक तो ध्यान नहीं देते हो, फिर सबको नो प्रॉब्लम सर लिख रहे हैं भाई, सब एक बार कमेंट करो, समझ में आ रहा है ना बढ़िया तरह, आप बताना एक बार क्लियर बताना कितना अच्छी तरह समझ में आ रहा है। कई लोग कमेंट करते हैं यार, आप लोग बताओगे क्या है क्या नहीं है, पीएचडी एमटेक से यार हद कर रहे हो आप लोग यार, बिल्कुल ही बताओ, सब लोग कमेंट करना, एक बार प्रॉब्लम आ रही हो तो भाई सब लोग लिखो सर, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, सब लोग लिखो, ये नेगेटिव कमेंट वालों फिर मैं भी लोग मारता हूँ इनको, बताओ सब लोग लिखो सर, समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया, नेगेटिव कमेंट है यार, सब सुन बेवकूफ बनाते हो यार आप भी, नहीं पढ़ना हो तो फिर नहीं आना चाहिए।
अरे बहुत बढ़िया पढ़ा रहे यार, एकदम एकदम कर दो, किसी पूरे इंडिया से कंपेयर कर लेना इसको, ज्यादा हो गेट फ्लिक्स से वीडियो देखना मेरे। अब मैं यार नेक डीमोटिवेट कमेंट में ब्लॉक कर दूंगा फिर उसको, मैं तो मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता क्या क्या नहीं है, जितना मेरा उसका क्वालिफिकेशन उसने उतना किसी का भी नहीं हुआ, मैं तो फालतू में यार उल्टे सीधे कमेंट करते हो। अब मैं तो चैट चलो इसलिए रीड कर लेता हूँ, चलो ठीक है मैं तो देखो। चलो अब सेकंड में ये देखना, वो लूप देखने जो, अब कई लोगों को मैं बताता हूँ, खुद खुद ने अपने बाप की बात नहीं मानते तो मेरी क्या मानेंगे वो लोग, कई लोग घर तो मेरी क्या मानेंगे वो लोग जो अपने घर वालों की रेस्पेक्ट नहीं करते, उल्टा सीधा कुछ भी कमेंट। देखो देखो यहाँ पर वो लूप देखने जो भाई आपस में भी टच नहीं करे, पी क्यू टच नहीं करे, तो L1 L2 आपस में टच नहीं कर रहे थे लिख दिया, L1 L3 आपस में टच नहीं कर रहे थे लिख दिया, L1 L4 आपस में टच कर रहे थे, जीरो हो गया प्लस। अब L1 की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, प्लस है तो L1 हो गया दी है, अब नंबर है L2 का। अब देखो L2 L1 को टच कर रहा है, नहीं कर रहा पर पहले लिख चुका हूँ, ये L2 L3 को टच नहीं कर रहा पर पहले, तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा L2 और क्या होगा L3 प्लस। फिर देखो L2 L4 L4 को यहाँ टच कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा भाई, जीरो। ठीक है L2 की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। फिर देखो L3 L1 को टच नहीं कर रहा, यहाँ लिख चुका हूँ L1 है L3, L3 L2 को टच नहीं कर रहा, यहाँ लिख चुका हूँ L2 L3, और L3 L4 टच कर रहा तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। L3 की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब देखो L4 बार बार टच कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा भाई, जीरो, फिर आपका माइनस। ठीक है अब ऐसे तीन लूप देखो जो आपस में टच नहीं करते हैं, L1 L2 L3 तीनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे हैं, और पीके को भी टच नहीं कर रहे, आपस में भी टच नहीं करना चाहिए और पी को भी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो डेल के वो पी के फोर पार्ट के साथ कंडीशन है, और सब लूप आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे। अब चार लूप ऐसे देखो जो आपस में भी टच नहीं करें और पीके को क्या नहीं करना चाहिए, टच, तो चौथे वाला लूप आपस में टच कर रहा है, पीके को टच कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, जीरो। अब डेल के वाले में देखो कहीं L4 नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्यों L4 नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्यों डेल के वाले फोर रूम ले L4 जो है पीके फोर पाथ को टच कर रहा है, आपको तो उन सारे लूप का सम करना जो पीके फोर पाथ को टच नहीं करते हैं, ये पीके फोर पाथ को टच कर रहा है, इसलिए कितना हो गया भाई, जीरो। अब बताओ कोई इतना समझ में आया, सब बताओ समझ में आया हो तो लोगों, सर बहुत बढ़िया समझ में आया, सर मस्त समझ में आया, इतना समझ में आया बताओ, डेल के सबको समझ में आया, समझ में आया डेल के, हाँ जो नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं उनको ब्लॉक कर दो, दो। इतना समझ में आया सबके भाई, मस्त समझ में आया सर, बहुत अच्छा समझ में आया, देखो सर नम बहुत बढ़िया समझ में आया, नेगेटिव कमेंट वालों की तो फिर मैं बताता हूँ इन लोगों को। बिल्कुल माहौल खराब कर रखा है नेगेटिव कमेंट वालों ने, इसलिए मैंने पहले L1 L4 L1 L4 इसलिए जीरो हुआ बेटा, क्योंकि L4 जो है पीके फोर पाथ को टच कर रहा था, ये वाला L4, ये वाला है, ये जो L4 दिखाई दे रहा था टच कर रहा था उसको, ये वाला है। L1 L4 बेटा जो पी के आपको जो है उनमें टच करना है, जो पी के फोर पार्ट टच नहीं करते, ये L4 वाला है और L4 वाला पी के फोर पार्ट क्या कर रहा है, टच, इसलिए मैंने वहां पर नहीं किया कि L4 वाला इसलिए टच कर रहा है, इसलिए मैंने वहां पर नहीं लिखा बेटा, इसलिए कई लोगों को पता होगा मैं नेटवर्क की मना कर दिया था, मैं बताऊँ, और बहुत बढ़िया अच्छी चल रही थी आपकी नेटवर्क क्लास जो मैं ले रहा था, बताओ उसकी जो PDF भेजी थी आपको, कई लोग बताओ, चलो ठीक है इतना सबको समझ में आया। देखो अब देखो डेल की बात करते हैं, इतनी बात हुई, अब देखो डेल,
देखो डेल के बारे में, डेल की बात, डेल क्या है, वन माइनस सम ऑफ ऑल लूप। पहले क्या था, उनका सम करना था जो पीके फुटपाथ को टच नहीं करते हैं। यहाँ पीके फुटपाथ को टच करे तो भी ठीक और नहीं करे तो भी ठीक, यहाँ जितने भी लूप है सम का सम करना है, प्लस सम ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। फिर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप, फिर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। सब कुछ पढ़ाऊंगा बेटा, ओपन हो। अब देखो यहाँ जितने भी लूप है सिर्फ उनका सम करना है। पहले क्या था, उनका सम करना था जो पी के फोर पाथ को टच नहीं करते हैं, जबकि डेल के में पी के फोर पाथ का कोई लेना देना नहीं है। पी के फोर पाथ को टच करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, जो कि पहले क्या था केवल उनका सम करना था जो पी के फोर पाथ को टच नहीं करते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ उनका सम करना था जो पी के फोर पाथ को टच नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या, जितने भी लूप है सबका सम करना है, पीके फोर पार्ट टच करें तो भी ठीक, नहीं करें तो भी ठीक। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग, बस वो दो लूप आपस में टच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या था, आपस में भी टच नहीं करना चाहिए और पीके को टच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप आती है। अब देखते हैं देर, देर वन माइनस, क्या एल वन, एल वन L1 प्लस L2 सम ऑफ ऑल लूप, L3 प्लस L4। पहले L4 वाला जीरो था, क्यों जीरो था, L4 वाला पहले इसलिए जीरो था क्योंकि वो डेल के में जो है वो पी के फोर पाथ को टच कर रहा था, इसलिए वो L4 वाला क्या था भाई आपका, जीरो था बात है। और यहाँ एग्जिस्ट क्यों किया है, क्यों डेल के में पी के फोर पाथ से कोई लेना देना नहीं है इसलिए प्लस। अब ऐसे दो लूप देखो जो आपस में टच नहीं करते हैं। पहले क्या था, वो आपस में भी टच नहीं करना चाहिए और पीके को टच नहीं करना चाहिए। अब पीके से कोई लेना देना नहीं है, बस आपस में टच नहीं करना चाहिए, बस आपस में टच करना चाहिए। क्या एल वन एल टू आपस टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ओके एल वन एल टू प्लस। क्या एल वन एल थ्री आपस टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, एल वन एल थ्री प्लस। क्या एल वन एल फोर आपस टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, नेक्स्ट हो गया एल वन एल फोर। पहले L1 L4 क्या था भाई, जीरो। क्यों जीरो था, क्योंकि जो डेल के जो था वो पी के फोर पाथ के साथ कंडीशन है, पहले वो जो है पी के फोर पाथ को टच कर रहा था इसलिए जीरो था। और यहाँ पे क्या किया भाई, एग्जिस्ट किया L1 की और कोई कंडीशन नहीं है, L1 क्या हो गया DN। अब नंबर L2 का प्लस L2 L1 आप जो टच नहीं कर रहे पहले लिख चुका हूँ, L2 L3 आप जो टच नहीं कर रहे तो L2 L3 L2 L3 प्लस। देखो L2 L4 ये आपस में टच नहीं कर रहे, तो गया L2 L4। पहले L2 L4 क्या था भाई, जीरो। क्यों जीरो था, क्योंकि डेल के में आपको उन वाले लूप का सम करना था जो पी के फोर पाथ को टच नहीं करते हैं, पहले वो पी के फोर पाथ को टच कर रहे थे इसलिए जीरो था। और यहाँ पे क्या किया, एग्जिस्ट। बेटा ध्यान समय में L2। अब देखो नेक्स्ट L4 वाला, L2 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो L3 वाला प्लस L3 L1, ये तो पहले लिख चुका हूँ, L3 L2 ये तो पहले लिख चुका हूँ, L3 L4, L3 L4 आपस में टच नहीं कर रहा, L3 L4। पहले L3 L4 जीरो था, क्यों जीरो था, वो इसलिए जीरो था क्योंकि डेल के में आपको उन सारे लूप का सम करना था जो पीके को टच नहीं करते, पहले वो पीके को टच नहीं कर रहा था इसलिए जीरो था। अब क्या क्या है, L3 की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, L3 क्या हो गया, दी एंड। नंबर किसका होगा भाई, L4 का नंबर किसका होगा, L4 का नंबर होगा, L4 का। L4 वाला जो है L1 L4, L1 L4 लिख चुका हूँ, ये रहा भाई L4 L2 लिख चुका हूँ भाई, ये रहा L3 L4 लिख चुका हूँ। दो की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्या करने है, तीन लूप ऐसे देखने हैं जो आपस में टच नहीं करें। पहले क्या था,
वो तीन लूप आपस में भी टच करना चाहिए, किसको टच नहीं करना चाहिए, पीके को। यहाँ पीके से कोई लेना देना नहीं है, डेल में टच करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। देखो एल वन एल टू एल थ्री, ये तीनों लूप आपस में टच नहीं कर रहे, एल वन एल टू एल थ्री आपस में टच नहीं कर रहे। फिर देखो एल वन एल टू एल फोर, ये भी आपस में टच नहीं कर रहे, एल वन एल टू एल फोर ये भी आपस में टच नहीं कर रहे। देखो एल वन एल थ्री एल फोर, ये भी आपस में टच नहीं कर रहे, ये क्या होगा एल वन, ये क्या होगा एल थ्री, और ये होगा L1, ये भी आपस में टच नहीं कर रहे। L1 की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नंबर देखो L2, L2, L3, L4, ये भी आपस में टच नहीं करे। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका L2, L3, L4। तो पहले ये वाला टर्म जीरो हो गया था आपका L4 की वजह से, और ये वाला टर्म जीरो हो गया था L4 की वजह से। और कब सब कुछ देखो तो रिपीट करेगा। अब चार लूप ऐसे देखो जो आपस में टच नहीं करते हैं, पहले क्या था वो आपस में भी टच नहीं करना चाहिए और पीके को टच नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या सिर्फ आपस में टच नहीं करना चाहिए, तो ये क्या होगा L1, L2, L3 और L4। इसका मतलब ये डेल डेल के जो है पीके फोर्ड के साथ कंडीशन है, आप कौन सारे लूप पसंद करना है जो पीके फोर्ड पाथ को टच नहीं करता है, या L4 जो है बार बार पीके फोर्ड पाथ को टच कर रहा था, इसलिए डेल के वाले फॉर्मूले में L4 आपको दिखाई नहीं दिया, जबकि डेल वाले फॉर्मूले में आपको L4 इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो है ये पीके फोर्ड पाथ के साथ कंडीशन नहीं है। तो जहां जहां L4 है वहां जीरो पुट कर दोगे तो दोनों के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे आपका सेम। इसका मतलब है डेल के पीके फोर्ड पाथ के साथ कंडीशन है, जबकि डेल जो है पीके फोर्ड पाथ के साथ कोई कंडीशन नहीं है। इतना सबको समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो सर बहुत अच्छा समझ में आया, नेगेटिव कमेंट वालों को तो मैं भगवाऊंगा कल सबको। तो इतना समझ में आया हो आप लिखो सर बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा समझ में आया, क्योंकि नेगेटिव कमेंट वालों के तो मैं नाम नोट करते जा रहा हूँ, सबको ब्लॉक मरवाऊंगा इन लोगों को, मैं बताऊ सबको ब्लॉक मरवाऊंगा। तो जो डेल के जो है वो नंबर ऑफ फोर्ड पाथ के साथ कंडीशन है, और जबकि डेल जो है नंबर ऑफ फोर्ड पाथ के साथ कंडीशन नहीं है, इसलिए डेल के में कहीं एल फोर आपको नहीं दिखाई दिया था, आपका L4 नहीं दिखाई दिया था जबकि डेल में दिखाई दे रहा। सब लोग मैक्सिमम पॉजिटिव कमेंट करो लोग, जिससे मेरे को अच्छा लगे, क्योंकि ये नेगेटिव वालों को मैं लोग। कनेक्ट नहीं हो रहा जो भी लिखा है बेटा, ये 20 नंबर की प्रॉब्लम है। अगर डेल के और डेल की वैल्यू को आप वहां पुट कर दोगे तो ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। तो सब लोग लिख रहे हैं सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा, बहुत अच्छा समझ में आ रहा। चलो अब प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। अब आपको मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ की 70 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 70 और 70 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो ध्यान समझ जाना, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया और कहाँ कहाँ लेके जाने वाला हूँ अब वो समझना। तो थोड़ा आज आपको नेगेटिव कमेंट वालों के साथ थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, कल को मैं रिमूव करवा दूंगा सबका कॉपी में नोट लेके चल रहा हूँ। हरिओम थोड़ा ज्यादा होने की वजह से आप वो हैंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कमेंट आप ज्यादा करो। हाँ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, स्टार्ट करते हैं।
मेरे नाम से उन आली आ रही हूँ सर नाम से कोई, अरे यार आपके अंतर्गत मेरे को पता है, देखो ध्यान ना रखो। अब बहुत इजी प्रॉब्लम करा रहा हूँ, गेट 87 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, गेट 87 से। पहले सबसे जो है देखो फाइंड, ध्यान से समझना, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। फाइंड ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट वाई आउटपुट वाई इनपुट वाई एस वाई एक्सएस। थोड़ा इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ, पर डिफिकल्टी की तरफ जाएंगे। तो ये हो गया फाइव, ये हो गया एक्स इनपुट, ये माइनस टू हो गया, ये वन हो गया, और ये हो गया वाई, ये हो गया आपका आउटपुट। ठीक है, हाँ लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। देखो तो ये प्रॉब्लम बनाते, देखो तो पहले अपन देखते हैं फोर्ड पाथ। इसमें फोर्ड पाथ क्या है, एक सेकंड रुको, थोड़ा ये आप ज्यादा आ चुके हैं। देखो पहले थोड़ा आपको दे, ये टू है यार, मैं बोलता भी तू साइड में सबको यार, ये टू है, ये वन है, ये फाइव है, और ये आपका माइनस टू, ये माइनस टू। ठीक है चलो स्टार्ट करते। तू फोर्ड पाथ, फर्स्ट फोर्ड पाथ, फर्स्ट फोर्ड पाथ। फोर्ड पाथ क्या होता है, जो आउट आउटपुट को इन फर्स्ट फोर्ड पाथ। अब जब पाथ मैंने बोला है, लिखा नहीं जा रहा यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ फर्स्ट फोर्ड पाथ, फर्स्ट फोर्ड पाथ P1। इतना आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भाई। तो फोर्ड पाथ इनपुट से आउटपुट जो लूप फॉर्म को भी कनेक्ट नहीं करे, तो हो गया 5 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, दूसरा आप ऐसे आप जा नहीं सकते, दूसरा आप ऐसे आप जा नहीं सकते, क्योंकि ऐसे जाओगे तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, लूप फॉर्म में, और फोर्ड पाथ कभी भी लूप फॉर्म में नहीं होता, तो एक ही फोर्ड पाथ है। तो एन क्या हो गया, नंबर ऑफ फोर्ड पाथ। तो यहाँ पे देखा जाए नंबर ऑफ फोर्ड पाथ जो होगा आपका एन, एन जो होगा नंबर ऑफ फोर्ड पाथ, तो कितना हो गया वन। अब देखो लूप, एक ही लूप है, आपने यहां से स्टार्ट किया दोबारा वहीं आ गया, तो होगा आपका टू, लूप जो होगा टू इंटू माइनस टू, तो लूप की वैल्यू होगी माइनस फोर, लूप इज द माइनस फोर। ठीक है, लूप की वैल्यू माइनस फोर। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो ट्रांसफर फंक्शन की जो वैल्यू होगी, ट्रांसफर तो ट्रांसफर फंक्शन की जो वैल्यू होगी ट्रांसफर के इक्वल टू वन से लेके एन पी के
डेल के डिवाइड बाय डेल, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, आगे आप देखते हैं ना। तो ये क्या हो गया, के इक्वल टू वन से लेके वन पी के डेल के डिवाइड बाय डेल, तो गया पी वन। उन सारे लूप का सम करना है जो P1 को टच नहीं करते, एक लूप है इसको टच कर रहा है, तो 1 माइनस जीरो अपॉन 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप 1 माइनस एल वन, तो गया P1 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एल वन, एल वन की वैल्यू है माइनस फोर, तो P1 की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 5 2। तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन जो होगा, जो सिग्नल फ्लो दे रखा है उसका कितना आंसर होगा 2। तो जो ट्रांसफर जो किसने रेज और हैंड किया है, एक बार देखता हूँ मैं क्या डाउट पूछ रहे हैं वो, इसमें मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपको ये प्रॉब्लम अगर समझ में आई हो तो आप लिखो नो प्रॉब्लम सर, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, अगर ये प्रॉब्लम समझ में आई है तो। ये प्रॉब्लम समझ में आई है तो नो प्रॉब्लम सर लिखो आप सब लोग, ये प्रॉब्लम समझ में आई है तो नो प्रॉब्लम लिखो आप। करंट साइड इज नॉट विजिबल, सब दिखाई दे रहा है ना सबको भाई, ये लोग फिर नेगेटिव कमेंट करने लग गए। अब लिखो नो प्रॉब्लम सर अगर ये समझ में आया तो सब लोग। वो एंग थोड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग ज्यादा पार्टिसिपेंट हो ना, ये लोग मैसेज कर रहे हैं कुछ वाले, नो प्रॉब्लम। हाँ अब आ रहा होगा, देखो सब लोग लिख रहे हैं नो प्रॉब्लम सर नो प्रॉब्लम सर नो प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं एक बार और बता देता हूँ, कई लोगों की स्क्रीन चली गई थी, मैं उसको और बता देता हूँ। देखो यहाँ फोड़पात एक है 5 × 2 × 1, ये इनपुट से आउटपुट को कनेक्ट नहीं कर रहा, तो ये हो गया आपका 10। एक बार और समझ लो आप, जिनकी स्क्रीन चली गई थी वो, तो ये हो गया आपका 10। अब देखो दूसरा ऐसे जाओगे तो लूप फॉर्म में हो जाएगा, और फोड़पात कभी लूप फॉर्म में नहीं होता। नंबर ऑफ फोड़पात एक ही है 1, लूप देखो लूप की फेरू ये हो गई 2 × −2 − 1। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ, k इक्वल टू 1 2 लेके n p k डेल के डिवाइड बाय डेल, k इक्वल टू 1 से लेके 1 p k डेल के डिवाइड बाय 1, तो ये हो गया आपका p1 डेल 1 डिवाइड बाय डेल। तो यहां पर अगर लिखना चाहो तो p1 डेल 1 डिवाइड बाय डेल, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस सम ऑल उन सारे लूप का सम करना जो p k को टच नहीं करते हैं, यहां एक लूप है वही क्या कर रहा है टच कर रहा है, तो 1 माइनस 0, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप, और लूप की वैल्यू पता है तो आंसर आ जाएगा। नो प्रॉब्लम सर लिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम सर नो प्रॉब्लम सर। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं प्रॉब्लम तो नो प्रॉब्लम सर लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। आप सब लोग टाइप करो नो प्रॉब्लम सर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे को धीरे धीरे लेकर चलना पड़ेगा, मैं और भी बैच ले रहा हूँ, तो पर ऐसे बैच की तरह मैंने आज तक कोई बैच नहीं देखा भाई। सब लोग तुरंत कमेंट करते हैं नो प्रॉब्लम सर, और भी बैच ले रहा हूँ मैं आपको, तो कंट्रोल सिस्टम चल रहा है, मैं और भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसे पर बैच पहली बार देखा मैंने। तो सब लोग आप नो प्रॉब्लम सर लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूं। नो प्रॉब्लम सर लिख रहे हैं सब लोग, सेमी सर के कुछ भी हो सकता है, यादव माधव कुछ भी हो सकता है, बताओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरी थैंक्स माय डियर। थोड़ा स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी देते हैं।
मैं चैट पढ़ ही नहीं रहा पाती है, तो मतलब नहीं है वो तो पढ़ने से। तो वो सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, गेट 14 में आया हुआ है। फाइंड ट्रांसफर फंक्शन वाई एस वाई एक्स, ठीक है, ये भी है, ये सी है, ये एफ है, डी है, जी है, और ये वन है, और ये वाई ऑफ है, ये आपका आउटपुट है और ये आपका इनपुट है। चलो करते हैं प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। खूब नेगेटिव कमेंट करते रहो, जो लोग कर रहे हैं मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, नेगेटिव कमेंट करने वाले। किरण आपको बिल्कुल बोलने की तमीज नहीं है। किरण मैंने नोट कर लिया आपका नाम, सर को मैं भेजूंगा, रोहन सर को बताता हूँ मैं आपको बोलने, बिल्कुल आपका स्क्रीन शॉट भी ले लिया मैंने इसका, जैसे बोल दी। देखो अभी मैंने कराया, चलो कमेंट जाने दो उनका, कई लोगों को बोलने की तमीज नहीं है कि फैकल्टी से कैसे बात करनी है। देखो अब इसमें फॉर पाथ देखना है और लूप देखना है क्या है क्या नहीं है। देखो फर्स्ट फॉर पाथ, फर्स्ट फॉर पाथ पी वन, तो फॉर पाथ क्या होता है, जो इनपुट से आउटपुट कनेक्ट करे वह कभी भी किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, लूप फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो अपन ऐसे कहें इनपुट से आउटपुट गए और लूप फॉर्म में भी नहीं है, तो गया ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू वन, ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है ना। ऐसे आप जान ही सकते क्यों डायरेक्शन अपोजिट है, फोर पाथ इनपुट से आउटपुट होता है, लूप फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप जान ही सकते क्यों डायरेक्शन अपोजिट है, ऐसे आप जान ही सकते क्यों डायरेक्शन अपोजिट है, और ऐसे जाओगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, लूप फॉर्म में। ऐसे जाओगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, लूप फॉर्म में, और ऐसे जाओगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, लूप फॉर्म में। इसका मतलब है सिर्फ एक ही फोर पाथ है, एन जो हो गया नंबर ऑफ फोर पाथ, नंबर ऑफ फोर पाथ, तो इसमें नंबर ऑफ फोर पाथ कितना है भाई, वन है, तो नंबर ऑफ फोर पाथ कितना है, वन। इससे ज़्यादा फोर पाथ इसमें है नहीं, आगे दो या दो से ज़्यादा भी आएंगे फिर देखते हैं लूप के लूप कितने। तो पहला लूप देखो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, दोबारा यहीं आ गया एरो की डायरेक्शन में, ये एल वन, दूसरा आपने यहाँ से स्टार्ट किया दोबारा यहीं आ गया, ये हो गया एल टू, और तीसरा आपने यहाँ से स्टार्ट किया दोबारा यहीं आ गया, तो ये हो गया एल थ्री। तो एल वन की बात करोगे तो बी इंटू ई, तो क्या होगा बी, एल टू की बात करोगे आप, एल टू क्या हो गया आपका सी इंटू एफ, तो ये हो गया सी एफ, और तीसरा बात करोगे आप एल थ्री की बात करोगे डी इंटू जी, तो हो गया डी जी, ठीक है। अब बड़े वाला लूप बनाना चाहो तो वो लूप आपका बन नहीं सकता, क्योंकि बड़े वाला अगर आप लूप बनाना चाहोगे कि आप क्वेश्चन में बड़े वाला लूप बना लो, बड़े वाला लूप, तो बड़े वाला लूप नहीं बन सकता, क्योंकि एक नोड को कितनी बार टच कर जाएगा भाई, दो बार, इसलिए बड़े वाला लूप नहीं बन सकता। इतना समझ में आया हो तो आप नो प्रॉब्लम सॉल्व लिखो, फिर मैं आगे और बता रहा हूँ। इतना समझ में आया हो तो आप सब लोग नो प्रॉब्लम सॉल्व लिखो, फिर मैं आगे और बताता हूँ। देखो स्क्रीन पे अभी इतना इतना तो कोई वो नहीं है,
स्क्रीन विजिबल हो रही है? आप स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। स्क्रीन आ रहा होगा ना भाई आसिफ हुसैन, मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से बेटा। एक बार देखना स्क्रीन, समझ में आया ना बेटा ये वाला क्वेश्चन? यहाँ तक एक बार देखना, आप सब लोगों को समझ में आया होगा ना बेटा ये वाला क्वेश्चन? सब लोगों को देखो एक बार, और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम सर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम सर लिखो। और प्लीज लोग नेगेटिव कमेंट वालों के कोई मतलब नहीं है, उनको बोलने की बिल्कुल तमीज भी नहीं है। यस सर अब विजिबल है बेटा, हो ही रहा होगा तब भी मेरे हिसाब से। तो ये प्रॉब्लम समझ में आई, इसमें लूप और फोर पास समझ में आया? ये समझ में आया सबको? प्लीज आप सब लोग कमेंट करो एक बार, मैं तभी आगे बढ़ाऊंगा भाई। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। शिवानी पटेल क्लियर सर, नो प्रॉब्लम सर, हेड से करें नो प्रॉब्लम सर। और लोग आप लोग लिखो, और लोग लिखो आप। पाटीदार यस सर, नो प्रॉब्लम। सर पहले नहीं था, सच ही बोल रहे हैं। क्लियर, हाँ क्लियर, चलो बढ़िया है। समझ आ गया सर? मैं एक बार इसको बंद ही कर देता हूँ, प्रॉब्लम आप कोई दिक्कत सर? क्लियर, डन सर, नो प्रॉब्लम। आदित्य नो प्रॉब्लम सर। अब तो सही है ना माय डियर सब लोग? क्लियर सर, नो प्रॉब्लम सर। यस बेटा एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो यस बेटा, देखो फोर पाथ ये बेटा जो इनपुट से आउटपुट को कनेक्ट किया वो लूप फॉर्म में भी नहीं है, ए बी सी डी। वो बेटा आपने ये देखा होगा। यस बेटा, ये आपका इनपुट से आउटपुट लूप फॉर्म में भी नहीं। नंबर ऑफ फोर पाथ एक ही है तो एन लिख दिया मैंने वन। लूप देखोगे एक लूप ही है, ये लिख दिया। दूसरा लूप ही है, ये लिख दिया। तीसरा लूप ही है, ये लिख दिया। चौथा लूप बन नहीं सकता, तो एक नोट को दो बार टच कर जाता। तो यहाँ पर जो नंबर लूप है तीन है। समझ में आया बेटा? यस समझ में आया बेटा? यस यस आप कमेंट करो आप बेटा, समझ में आया तो आप लो यस, यस सर लिख रहे हैं। चलो कंटिन्यू कर दो। थोड़ा हो सकता है थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ा यस सर कंटिन्यू करो सर। क्लियर, आगे बढ़ो। चलो ठीक, देखो आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए बस। देखो तो ट्रांसफर स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सब लोगों को भाई? अरे स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सब लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सब लोगों को? अब बताओ एक बार, फिर मैं आगे का सॉल्यूशन करता हूँ। हाँ राज कर देंगे बेटा, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर, यस सर, यस सर। तो ट्रांसफर फंक्शन जो होगा, ट्रांसफर फंक्शन ये हो गया आपका k इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन जो हो गया k इक्वल टू वन से लेके n पी के डेल के डिवाइड बाय डेल। तो k इक्वल टू एक ही फोर पाथ है, k इक्वल टू वन से लेके वन पी के डेल के डिवाइड बाई डेल। तो होगा पी वन डेल वन डिवाइड बाई डेल।
तो पी वन उन सारे लूप का सम करना है जो पी क्यू टच नहीं करते हैं, तीनों की तीनों लूप पी क्यू टच कर रहे हैं, तो वन माइनस जीरो अपॉन वन माइनस सम ऑफ ऑल लूप प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो, तो पी वन टू अपॉन वन माइनस बी प्लस सी एफ प्लस डी जी, तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका L1 L2 को तो टच कर रहा है पर L1 L3 को टच नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा आपका L1 L3। P1 की वैल्यू क्या A B C D 1 माइनस B E प्लस C F प्लस D G, नेक्स्ट जो होगा B E D G, नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा B D G। देखो ये प्रॉब्लम समझ में आई तो आप यस सर लिखो सब लोग, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। ये प्रॉब्लम समझ में आई तो आप यस सर नो प्रॉब्लम सर लिखो, ये प्रॉब्लम समझ में आई है तो आप नो प्रॉब्लम सर लिखो, ये प्रॉब्लम समझ में आई तो नो प्रॉब्लम सर लिखो, ये प्रॉब्लम समझ में आई ना सब लोगों के भाई। अब ये प्रॉब्लम समझ में आई ना सब लोग, आपको समझ में आई ना ये प्रॉब्लम, सब लोगों यस सर यस सर यस सर यस सर लिखो कमेंट सेक्शन में, सब लोग यस सर यस सर यस सर लिखो कमेंट सेक्शन में, तभी मैं आगे बढ़ूंगा भाई। जब तक यस सर नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। नो प्रॉब्लम सर, सर क्लियर, आदित्य वाला सर क्लियर, पाटीदार क्लियर, उमेश क्लियर, आदित्य वाला नो प्रॉब्लम सर, अंशु क्रिस्टल क्लियर सर, पूर्वज कोतर क्लियर सर, सर यस सर यू आर टीचिंग आर वेरी नाइस, थैंक यू माय डियर, यहाँ पे सी श्योर सर, क्लियर सर क्लियर सर, सब लोग लिख रहे हैं क्लियर, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की टेस्ट लो, बहुत खराब, बहुत प्रॉब्लम कराने वाला हूँ, फाइन प्रॉब्लम बहुत कराने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड ट्रांसफर फंक्शन वाई एस अपॉन एक्स एस व्हेन, जिसे एक्स, चलो व्हेन ये क्वेश्चन है, ये आपका जी वन ए वन, ये आपका एक्स ऑफ एस, ये आपका जी टू, ये आपका माइनस वन, ये माइनस वन नहीं है, डायग्राम थोड़ा ये सेकंड में बनाता हूँ उसे, फाइन ट्रांसफर फंक्शन वाई एस वाई एक्स, ये हो गया आपका वन, ये हो गया आपका जी वन, ये वन, ये हो गया आपका एक्स ऑफ एस, ये हो गया आपका जी टू, ये हो गया आपका वाई ऑफ एस, और ये आपका माइनस वन यहाँ पर है, सॉरी ये माइनस वन और ये आपको माइनस, ये माइनस माइनस,
ये आपका आउटपुट है और ये आपका इनपुट है। आज की लास्ट प्रॉब्लम है, फिर अपन और बची की प्रॉब्लम कल देखेंगे। तो फॉर पाथ क्या होगा, यही हो गया इनपुट से आउटपुट जो कनेक्ट करे फॉर पाथ, तो फॉर पाथ V1 1 into G2 तो कितना हो गया G2। अब लूप देखो, लूप एक तो लूप ही है, अपने यहां से स्टार्ट किया दोबारा यही L1, तो L1 की वैल्यू हो गई G1 G2 into -1 माइनस G1 G2। दूसरा लूप ही है G1 into -1 into 1 minus G1, दो लूप हो गए। फोर पार्ट तो एक ही होगा, यही दूसरा तो हो ही नहीं सकता कि लूप फॉर्म में हो जाएगा दूसरा। तो ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट बाय इनपुट YS बाय XS, तो ये हो गया K इक्वल टू 1 से लेके N PK डेल K डिवाइड बाय डेल। फोर पाथ एक ही है, तो k इक्वल टू 1 से लेके 1 पी के डेल के डिवाइड बाई डेल, तो होगा P1 डेल 1 बाई डेल। तो P1 ऐसा कोई लूप देखो जो दोनों इसको टच नहीं करता हो, तो ये वाला दोनों लूप इसको यहाँ टच कर रहे हैं, तो 1 माइनस 0 और डिवाइड बाई क्या होगा 1 माइनस L1 प्लस L2। ऐसे लूप देखो आपस में टच नहीं करते, ये दोनों लूप आपस में यहाँ टच कर रहे हैं तो 0। उसके बाद आप वैल्यू पुट कर लो, P1 की वैल्यू कितना है आपका G2 अपॉन 1 माइनस G1 कितना है माइनस G1 G2 और दूसरा कितना है माइनस G1, तो हो गया G2 अपॉन 1 प्लस G1, ये हो गया आपका G2 प्लस G1 प्लस 1, G1 प्लस 1 हो गया G1 प्लस 1। तो थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ G2 अपॉन 1 प्लस कॉमन आ गया G1, तो हो गया G2 प्लस 1। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, और ये प्रॉब्लम समझ में आई तो लिखो नो प्रॉब्लम सर, ये प्रॉब्लम समझ में आई तो लिखो नो प्रॉब्लम सर। सबको सम का लेने में तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना भाई मीट आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नो प्रॉब्लम सर लिखो और ये प्रॉब्लम क्लियर हो तो, नो प्रॉब्लम सर लिखो आप अगर ये प्रॉब्लम क्लियर है तो, नो प्रॉब्लम सर लिखो ये प्रॉब्लम क्लियर है तो, नो प्रॉब्लम सर लिखो अगर ये प्रॉब्लम क्लियर है तो। आप लोग सब लोग लिखो कमेंट सेक्शन में, अभी तो आप पता चलाएगा। नो प्रॉब्लम सर लिखो अगर सबको ये क्लियर है तो, नो प्रॉब्लम सर। हाँ सभी लेक्चर की PDF मिलेगी नहीं थी, कल मैं आपका एक अभी मैं बात कर लूँगा उसके बारे में आप सब लोग हैं। अगर सर सॉफ्टवेयर हो सके तो चेंज करना सर, देखता हूँ बेटा मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट से एक बार। नो प्रॉब्लम सर, क्रिस्टल क्लियर सर। सॉफ्टवेयर चेंज करने के बारे में थोड़ा सर, इसमें Δ1, अरे Δ1 इसलिए आया है बेटा, Δ1 है। अब देखो ना मैंने जो लिखा है, ऐसा लूप देखो जो भाई P1 कौन सा जो 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप विच इन नॉट टच पी के फोर पार्ट, ऐसा लूप जो पी के फोर पार्ट टच नहीं करता, ये पी के फोर पार्ट, ये फोर पार्ट पार था, ये वाला लूप यहाँ पर भी टच किया वहां पर भी टच किया। आप लोग ज्यादा कमेंट कर रहे हो इसलिए हो सकता है ये थोड़ा ब्लैंक कर रहा हो। तो आज थोड़ा सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है, आज की प्रॉब्लम अपन आज का क्वेश्चन यहीं पे एंड करते हैं, कल अपन और देखेंगे फिर इसका और आपको कल समझ में आ जाएगा। मैं बताऊँ आपको 1 into G2
क्यों नहीं था? अरे बेटा वन इंटू जी टू, जी टू ही तो हुआ, बताओ आप गुरजीत वन इंटू जी टू कितना हुआ? सब क्लियर है सर? नोट पेड यूज करना सर, नाइस टीचिंग सर, ठीक है भाई। वन इंटू जी टू कितना होता है भाई गुरजीत, बताओ आप? वाह वाह भाई केपी बाबू, बाबू भाई देखो चलो देखो आज के लिए इतना ही काफी है, कल अपन फिर और इसमें देखेंगे। और अपना थोड़ा पहली क्लास थी तो हो सकता है थोड़ा आपको प्रॉब्लम इंटरफेस करना पड़ा हो बेटा, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा पर धीरे धीरे वो हो जाएगा, थोड़ा मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा कुछ सॉफ्टवेयर में हो सकता है प्रॉब्लम वगैरह हो, तो सॉफ्टवेयर वगैरह में हो सकता है बेटा प्रॉब्लम हो, मैं बताऊँ आपको, तो वो अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बताऊँ आपको। तो बताओ आज की क्लास आप सब लोगों को बढ़िया लगी, कैसी लगी आज की क्लास, कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन किए। आगे जो चीजें प्रॉब्लम आएंगी तो मैं दूर उनको कर दूंगा, तो थोड़ा थोड़ा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा बेटा। अब बता लॉकडाउन में क्लास हो रही है, अब अगर यहाँ मैं व्हाइट बोर्ड भी लगवा लूँ तब भी वो लाइव क्लासेस से आपको कनेक्ट नहीं हो सकता भाई। तो प्लीज बताओ आज क्लास कैसी लगी, सब लोग कमेंट करके बताइए, जो नेगेटिव कमेंट तो लोग वैसे ही करते रहते हैं, बताओ आपको टाइम पास भी वो घर वालों से तो परेशान नहीं है ना, उनको बोलने की तमीज। आवाज आ रही है ना सब लोगों को? इलेक्ट्रिक पेन ही यूज कर रहा हूँ माई डियर, इलेक्ट्रिक पेन ही यूज कर रहा हूँ। आपके में क्या है, बच्चे थोड़ा ज्यादा हैं तो हो सकता है वो थोड़ा हैंग हो रहा हो, वो प्रॉब्लम कल एक बार देखिए, मैं अपडेट करता हूँ एक बार। गुड नाइट सर, गुड, वेरी नाइस टीचिंग सर। एक ग्रुप बना लीजिए, सब कह रहे हैं। देखो बताओ अब मेरे को एक जवाब बताना, आप सब लोग जो कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो, जो मैंने नेटवर्क ग्रुप बनाया तो उसमें ऐड हो सब लोग, बताना एक बार, जो आप सब लोग कंट्रोल पढ़ रहे हो नेटवर्क वाले में ऐड हो, आप ये लोग बताओ, आप कंट्रोल सिस्टम का मैंने ग्रुप बनाया था, आप कंट्रोल वाले वो सब लोग ऐड हो जो कंट्रोल पढ़ रहे हो उस नेटवर्क में, उसी में पीडीएफ में अब डाल आपको सेंड कर दूं, बताओ। साहब साहब कह रहे हैं यस सर, हाँ ऐड है उसमें। और लोग बताओ, 15-16 कमेंट आया कम से कम, बताओ। हाँ सर, उसमें भेज दूं फिर मैं आपको पीडीएफ, बताओ। जो ऐड नहीं हो वो एक काम करना, आप सब लोगों को आवाज आ रही है ना? स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आवाज तो आ रही है ना आप सब लोगों को? आवाज आ रही है सब लोगों को? तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ मेरे वाला, आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, या फिर मेरे को आप एक ग्रुप बना लो उसमें ऐड कर देना, ये वाला नंबर 94 मैं देता हूँ। एक सेकेंड आप रुको, एक सेकेंड, यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा ही।
मैं आपको नंबर दिख के देता हूँ, एक सेकेंड। चलो मैं कल देता हूँ आपको एक बार, और थोड़ा ये हो सकता है। चलो फिर मैं कल आपको एक बार देता हूँ, कल अपन एक ग्रुप बना लेंगे। थोड़ा ये इसमें हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आ रही हो। आप लोग बहुत कम मैसेज कर रहे हो तो इसलिए थोड़ा हैंग हो रहा है। अब मैसेज मत करो, थोड़ा रुको एक बार। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, कल देखते हैं फिर अपन एक बार, कल देखते हैं फिर। आप सब लोगों के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। आप सब लोगों के लिए गुड नाइट। आज थोड़ा हो सकता है थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, कल मिलते हैं फिर सेम टाइमिंग पे। और थोड़ा कल ही क्लास इससे थोड़ा इम्पोर्टेंट होगी। आप सब लोगों के लिए गुड नाइट। तो आप सब लोगों के लिए गुड नाइट। कल मिलते हैं फिर आप। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार कल देखता हूँ, एक बार ग्रुप का नेम बना लेंगे अपन लोग, फिर उसमें कर लेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं। आप सब लोग के लिए गुड नाइट, फिर कल इसकी और प्रॉब्लम लगाते हैं। ठीक है ना, आप सब लोग गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर आप सब लोगों के लिए। ओके बाय। आप गुड, अपन एंड करते हैं इसको, एंड करते हैं। आवाज तो आ रही है सब लोगों को? चलो कल मिलते हैं। चलो ठीक है, गुड नाइट, आपको कल मिलते हैं आपको। कल मिलते हैं आप सब लोगों के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं। ठीक है ना भाई, चल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की पहली क्लास है, फिर आपको धीरे धीरे आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा। थोड़ा मेरे को पता है थोड़ा नेट वगैरह की वजह से हो सकता है। हाँ ये सिद्धार्थ ने लिखा है मैसेज, 9413865572 सही लिखा उन्होंने। मैं नंबर इस नंबर की बोल रहा था मैं, थोड़ा याद क्या है। चलो मैं एक नंबर लिखता हूँ, सुनाई देना। आपको आवाज आ रही है ना अभी? सब लोगों को आवाज आ रही है ना? बताओ कमेंट सेक्शन में एक बार। चैट पे नहीं हो रहा बेटा, थोड़ा वो चैट में दिक्कत आ रही है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा हैंग टाइप। आवाज आ रही है ना सब लोगों को? आवाज को बताओ पहले, आवाज आ रही है तो अभी ऐसा लिखो कमेंट सेक्शन में सब लोग।
आवाज आ रही है तो अभी एसएल लिखो, आप एक बार आप एसएल लिखो, आवाज आ रही है। अरे मैं कह रहा हूँ यार आवाज आ रही है तो अभी एसएल लिखो। आप लोग क्या चैट में डाले, चैट अभी वो ओपन नहीं हो रहा वहां से, आवाज को बताओ आ रही है आवाज। हाँ नंबर बोल देता हूँ, लिखो आप 9413 9513 86 55 72 55 72। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 9413 86 55 72। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 9413 86 55 72। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 9413 86 55 72। सचिन मिटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच में रहना, मैं तुम्हें नेटवर्क वाले में भी कर दूंगा। तो मेरा नंबर लिख लिया ना सब लोगों ने, चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर आप सब लोगों के लिए, ठीक है ना, गुड नाइट सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, वेरी थैंक्स माय डियर, लगे बहुत अच्छा पढ़ाए सर आप, थैंक यू, गुड नाइट आप सब लोगों के लिए, फिर कल मिलते हैं, गुड नाइट सब लोगों के लिए। नंबर बोल दे रहा हूँ सर, 9413 86 55 72 9413 86 55 72 9413 86 55 72